अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। सर एक्चुअली आप कौन से मतलब यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कौन सी ब्रांच है? जी मैं रिप्रेजेंट करता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ को। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ यूके में है एंड वी हैव डिफरेंट कैंपसेस इन यूके, लाइक वी हैव कैंपसेस एट बर्मिंगम, ब्रिस्टल, चेस्टर, गिलफोर्ड, लीड्स। लंदन में 2 कैंपसेस हैं, देन मैनचेस्टर, नॉटिंगम भी है। इसके अलावा हम 5 यूके यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारी इनोवेटिव कोलैबोरेशन है, तो वहाँ पे भी हमारे कोर्सेज ऑफर होते हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल है, यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर है, यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया एंड यूनिवर्सिटी ऑफ रेडिंग। तो आप ये जो बच्चे लॉ में आना चाहते हैं, तो इनको क्या पैगाम देना चाहेंगे जो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते पाकिस्तान में या जो बाहर जाने के शौकीन हैं? देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में 2 स्कूल्स हैं, एक बिज़नेस है और एक लॉ है। लॉ हम 1876 से जो है लॉ के ऑफ़र कर रहे हैं और लॉ के लिए वहाँ पे एंड वी आर वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इस्टेब्लिश प्रोवाइडर ऑफ लीगल एजुकेशन। हमारी यूनिवर्सिटी में इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट्स हैं या ए लेवल के स्टूडेंट्स हैं, उनको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। अगर जहाँ तक अफोर्डेबिलिटी का ताल्लुक है, तो हमारी यूनिवर्सिटी हर इंटरनेशनल स्टूडेंट को गारंटेड बर्सरी देती है, एक डिस्काउंट देती है जो कि हर साल उनको मिलता है। अगर कोई LLB में जाता है तो उसको £2,500 का हर साल डिस्काउंट मिलता है, यानी कि 3 ईयर्स में उसको ओवरऑल £7,500 का डिस्काउंट मिल जाता है, जो कि अभी पाकिस्तान में तकरीबन 15-16 लाख रुपए होते हैं, तो इट्स अ बिग डिस्काउंट। अगर कोई बिज़नेस पढ़ता है तो उसको £3,000 का डिस्काउंट मिल जाता है और 3 ईयर्स में ऑल टुगेदर £9,000 का उसको डिस्काउंट मिलता है, जो कि तकरीबन 20 लाख रुपये हो जाता है। इसके अलावा हमारी यूनिवर्सिटी में अगर वो बिज़नेस कोर्स करता है, बिज़नेस कोर्स के बाद आगे हम फ्री मास्टर्स की भी ऑफ़र देते हैं, तो उसमें उसको फर्दर फिर 12-17,000 pounds की सेविंग हो जाती है। सर ये जो बच्चे फॉरेन पढ़ना चाहते हैं, तो ये फॉरेन लैंग्वेज सीखना इनके लिए लाजमी है? जी बिल्कुल, IELTS इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है उनका अपना इंटरनल टेस्ट होता है, तो वो ले लेते हैं इंग्लिश का। हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो PTE एक्सेप्ट करती है, जो कि होम ऑफिस ने उसको अप्रूव किया हुआ है, या फिर उनको IELTS करना पड़ता है। सर ये जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते, जो मतलब पुअर फैमिलीज से, तो क्या वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं? नहीं जी जी बिल्कुल कर सकते हैं। देखें ऑब्वियसली अगर उनको बर्सरी के बाद जो फीस डिडक्ट करने के बाद बनती है, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल उसको जो है वो जा सकते हैं उसमें। अगर नहीं कर सकते देन दे नीड टू सी दैट हाउ दे विल बी अफोर्डिंग देयर फीस। लिविंग कॉस्ट मेंटेनेंस जो कॉस्ट होती है, लिविंग कॉस्ट है, वो वहाँ पे उनको अलाउड वर्किंग आवर्स होते हैं 20 आवर्स पर भी, तो वो थोड़ा बहुत वो तो सपोर्ट हो जाता है उनको अपनी लिविंग कॉस्ट निकालने के लिए। लेकिन फ़ीस के लिए ऑब्वियसली उनके पेरेंट्स को जो है वो मेंटली प्रिपेयर रहना होता है कि जी उनको इतनी फ़ीस देनी है। ठीक है सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई।